नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी की, राहुल के मोदी सरकार पर निशाने की, बात करेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके प्रदर्शन की, उद्धव ठाकरे से डरी बीजेपी की, जानेंगे पंजाब में कैसे लगा बीजेपी को जोरदार झटका, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में बीजेपी के बागी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम के एस ईश्वरप्पा 12 अप्रैल को शिमोगा से भरेंगे नामांकन, बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, बेटे को टिकट ना मिलने से हैं नाराज। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर होगी चर्चा, आप मंत्री सौरभ भारद्वाज सत्र को करेंगे संबोधित। कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, 1 अप्रैल को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। और शेयर बाजार में गिरावट, 361 अंकों की गिरावट के साथ 72,470 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 92 अंकों की गिरावट के साथ 22,004 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वरुण गांधी बीजेपी से बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा था कि वरुण बगावत करने के बाद किस दल में जाएंगे। पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं तो वो सपा से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, बीजेपी उनका टिकट काट चुकी है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से वरुण को बड़ा ऑफर दिया गया है, तो क्या है कांग्रेस का ऑफर, देखिए इस रिपोर्ट में। वरुण गांधी को बीजेपी ने पीलीभीत से टिकट नहीं दिया है। इसके बाद से ही पीलीभीत से सांसद वरुण बेहद नाराज हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से यहां तक कह दिया है कि बीजेपी ने उनके साथ छल किया है। वरुण को लेकर कहा जा रहा है कि वो 27 मार्च को पीलीभीत सीट से नामांकन भी कर सकते हैं। इस बीच वरुण गांधी को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए, अगर वह कांग्रेस में आते हैं तो हमें खुशी होगी। वरुण एक कदावर और बेहद काबिल नेता हैं, उनका गांधी परिवार से संबंध है, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि अब वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। फिलहाल फैसला वरुण को ही लेना है, लेकिन अब उनके पास कांग्रेस के रूप में एक विकल्प सामने आ चुका है। एक साल पहले भी वरुण गांधी ने कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन तब राहुल गांधी ने वरुण को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से अधीर ने बयान दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि हाईकमान के इशारे पर ही ये बयान दिया गया है, यानी राहुल गांधी ने भी अब वरुण को कांग्रेस में आने की हरी झंडी दे दी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग वरुण को ये सलाह भी देने लगे हैं कि वे अब गांधी परिवार यानी कांग्रेस की ओर लौट जाएं। वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आते हैं तो पार्टी उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ा सकती है। वरुण जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर सकते हैं। वरुण के तेवरों से जहां बीजेपी पहले से ही चिंता में दिख रही है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है, तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर पीएम मोदी से सवाल किए हैं। राहुल ने ट्वीट कर पूछा है, नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके पास रोजगार के लिए कोई योजना थी भी? यही सवाल आज हर युवा की जुबान पर है। गली गली गांव गांव भाजपा वालों से पूछा जा रहा है कि आखिर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का झूठ क्यों बोला गया था। इसी के साथ राहुल ने कांग्रेस की उन गारंटियों का जिक्र किया जिसके बारे में राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह इन गारंटियों को जरूर लागू करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत रोजगार रिवॉल्यूशन का संकल्प लिया है। राहुल ने कहा कि हमारी गारंटी है कि हम सरकार में आते ही 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी देंगे, कानून बनाकर पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने युवाओं से अपील भी की कि वो वोट देते समय ये ध्यान रखें कि ये वक्त दो विचारधाराओं की नीतियों के फर्क को पहचानने का है, और कांग्रेस युवाओं का भविष्य बनाना चाहती है और भाजपा उन्हें भटकाना, इसीलिए भ्रम का जाल तोड़कर युवाओं को अपने ही हाथों अपनी तकदीर बदलनी होगी।
देश में रोजगार क्रांति लानी होगी। पीएम मोदी के पास कोई योजना नहीं है, राहुल के तंज से बीजेपी परेशान दिख रही है, तो दिल्ली में आपके प्रदर्शन और केजरीवाल के ईडी हिरासत से दिए जा रहे आदेशों ने उसकी नींद उड़ा दी है। आज दिल्ली की सड़क पर फिर आपने बड़ा प्रदर्शन किया, पीएम आवाज घेरने का ऐलान किया था। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक तरफ आप कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में पीएम आवास के घेराव में निकले हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल से ही उन्होंने दो सरकारी निर्देश भी पारित कर दिए। तो वहीं आप कार्यकर्ताओं के विरोध को रोकने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3 मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद किए गए हैं। पीएम आवास के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। कई प्रदर्शनकारी आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसे लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए आप नेता गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को पुलिस राज्य में बदल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक ही आरोप में केजरीवाल को जेल और शरद रेड्डी को बेल कैसे मिल गई, ये कैसा खेल चल रहा है। गोपाल राय ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए रिहाई की मांग की है। कोर्ट बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। अब कोर्ट का फैसला किसकी नींदें उड़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली में बीजेपी फंस गई है, तो दूसरी तरफ शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। ठाकरे परिवार का सामना बीजेपी नहीं कर पा रही है, ऐसे में अब वो एक बार फिर ठाकरे की शरण में जाने की तैयारी कर रही है। तो क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ फिर एनसीपी में बगावत कराई, कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने पाले में किए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है, उल्टा तेजी से मजबूत हुआ है। खास तौर पर उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता का सामना बीजेपी नहीं कर पा रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ सांसद और विधायक तो आ गए, लेकिन शिवसैनिक ठाकरे परिवार के साथ ही बने हुए हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने ठाकरे के खिलाफ दूसरे ठाकरे को खड़ा करने की तैयारी कर ली है। हाल ही में दिल्ली में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात हुई। राज ठाकरे बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं से भी मिले। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के साथ भी बीजेपी हाईकमान ने सीधी बात की है, और जो खबर सामने आ रही है उसमें बीजेपी अब राज ठाकरे को सीधे उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ाने की तैयारी में है। बीजेपी के दबाव में अब राज ठाकरे भी अपनी पार्टी का विलय शिवसेना में करने को तैयार हो गए हैं। इसका उन्हें भी फायदा हो सकता है, उन्हें शिवसेना प्रमुख का पद भी सौंपा जा सकता है। इसके बदले में बीजेपी ने शिंदे को भरोसा दिया है कि शिंदे के सीएम पद नहीं लिया जाएगा, और इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी शिंदे ही एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की ये रणनीति शिवसेना यूपीडी के उस दाव को सही साबित करती दिख रही है, जिसमें संजय राउत ने दावा किया था कि बीजेपी महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, वो उद्धव ठाकरे का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए दूसरे ठाकरे की मदद ले ली। बीजेपी को चुनाव में ठाकरे ही याद आ रहे हैं। राज ठाकरे को लेकर बीजेपी का प्लान सफल हो पाएगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि बीजेपी को चुनाव में ठाकरे परिवार की जरूरत एक बार फिर पड़ रही है, और ऐसी ही जरूरत पंजाब में बीजेपी को बादल परिवार की भी पड़ रही है। शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी गठबंधन की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन से इनकार कर दिया। तो क्यों बीजेपी से गठबंधन को तैयार नहीं हुए बादल, देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ ओडिशा में बीजेडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया, तो तमिलनाडु में भी एआईएडीएमके ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ओडिशा में तो भी बीजेपी ने बीजेडी को ईडी का डर दिखाकर गठबंधन करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन बीजेडी ने ईडी के आगे घुटने नहीं टेके और बीजेपी के बिना ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो वही अगर बात की जाए पंजाब की, तो यहाँ तो बीजेपी के लिए गठबंधन करना उसी वक्त से नामुमकिन हो गया था जब से किसानों ने अपना प्रदर्शन करना शुरू किया है, क्योंकि किसानों की मांगे अभी तक नहीं सुनी गई है।
जिससे किसानों में बीजेपी सरकार के प्रति काफी आक्रोश है और पंजाब में किसानों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में वहाँ की प्रमुख पार्टियाँ बीजेपी के साथ गठबंधन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेंगी। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी लगातार कोशिश में लगी थी कि पंजाब में उनका शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन बीजेपी की यहाँ दाल नहीं गली। और अब पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खुद इसकी पुष्टि की है कि वो पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो संदेश के द्वारा खुद इसकी पुष्टि की है, यानी कि बीजेपी की दाल यहाँ भी नहीं गली। बीजेपी अब पूरी तरह से अकेली पड़ गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 400 पार का नारा देने वाली ये पार्टी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ अकेले कैसे मुकाबला कर पाएगी और कितनी सीट जीत पाएगी। बीजेपी की परेशानी हर राज्य में बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में पार्टी के नेता विवादित बयान देने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष और हाईकोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी ही मुसीबत में फंस गई है। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से घिरी बीजेपी के नेताओं की भाषा अब बिगड़ने लगी है। बीजेपी नेताओं के अमर्यादित बयान को लेकर विपक्ष में नाराजगी है और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचाने की तैयारी है, तो बीजेपी के कई उम्मीदवार अपने बयानों को लेकर खुद ही घिरते दिख रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे में से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते। उनके इस बयान का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व जज के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये देने से भी बदतर है, ये पूरी तरह से अस्वीकार है और ऐसे शख्स की उम्मीदवारी को तुरंत वापस लेना चाहिए जिन्होंने गांधी की विरासत को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं भाजपा के नेता दिलीप घोष के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने गोवा जाकर कहा कि मैं गोवा की बेटी हूं और त्रिपुरा में कहा कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूं। दरअसल पहले उन्हें ये तय करना चाहिए कि उनके पिता कौन हैं। किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है। टीएमसी ने बीजेपी नेता के इस बयान को महिला सम्मान से जोड़ते हुए कड़े स्वर में इसकी आलोचना की है। पार्टी की नेत्री सुष्मिता देव ने कहा कि भाजपा नारियों से नफरत करती है। इसके साथ ही उन्होंने मामले में महिला आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए। तो वहीं कीर्ति आजाद ने कहा कि ऐसे बयान से बीजेपी की मानसिकता उजागर हो रही है, वे नारी शक्ति का अपमान करते हैं। टीएमसी ने दिलीप घोष की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। बीजेपी नेताओं के ये विवादित बयान लोकसभा चुनाव के दौर में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अपने ही नेताओं के बयान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। वैसे बीजेपी हाईकमान के फैसले भी पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं। हरियाणा में दल बदलुओं पर दांव लगाने की बीजेपी की कोशिश उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो कैसे अपने ही दांव में घिरती दिख रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी को लेकर विवाद तेज है। लोकसभा चुनाव जारी है, उम्मीदवार नामांकन भरने की प्रक्रिया में है। इसी बीच बीजेपी ने हरियाणा में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही बीजेपी हाईकमान पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा या क्या बीजेपी को अपने नेताओं से ज्यादा कांग्रेस नेताओं पर भरोसा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा में बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। दरअसल बीजेपी की लिस्ट में 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, जिनमें नवीन जिंदल और रणजीत चौटाला को तो पार्टी ज्वाइन करने के घंटे भर में टिकट दे दी गई थी। तो सिरसा सीट से प्रत्याशी बनाए गए अशोक तंवर को भी बीजेपी में शामिल हुए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा चर्चे में नवीन जिंदल की उम्मीदवारी है। बीजेपी ने 2009 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस सरकार पर कोयला घोटाले को लेकर नवीन जिंदल को जमकर घेरती रही है, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही नवीन जिंदल का दामन साफ हो गया है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल करने के साथ ही लोकसभा की टिकट भी दे दी है। इसी बीच हिसार सीट पर कद्दावर नेता प्रचिन सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस चले जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के ही दूसरे नेता पर दाव लगाया है। 2019 में कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े रणजीत चौटाला को पार्टी ने हिसार से टिकट दिया है। चौटाला भी जिंदल की तरह टिकट मिलने से कुछ देर पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी तरह से अशोक तंवर, राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर अरविंद शर्मा, चौधरी धर्मवीर, ये वो नेता है जो पहले कांग्रेस की टिकट पर सांसद और विधायक बने। अब बीजेपी ने हरियाणा में इन्हें लोकसभा चुनाव में उतार दिया है।
और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। केजरीवाल को हिरासत में लेकर के मोदी सरकार परेशान है। केजरीवाल ने सीएम के तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने वहां पर दूसरा ऑर्डर भी जारी कर दिया है। पहले पानी पर किया था, अब गरीबों को दी जाने वाली दवाइयों पर कर दिया है। कुल मिलाकर जिसे काम करना हो वो तो कहीं पर भी करेगा और जिसे नहीं करना वो ज़मीन क्या, आसमान क्या और पानी के अंदर भी जाकर काम नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।